नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक योर राहुल में। अगर आप वीडियो पर पहली बार इस चैनल पर पहली बार है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारी MPITI ट्रेनिंग तैयारी का जो है सातवां पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है MS वर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी वेराइटी बहुत रहती है, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस में से पढ़ना है, और इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें किस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, जो भी MS ऑफिस आपका जो इसके अंदर MS वर्ड है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद वर्ड के फीचर, उसके बाद ऑफिस बटन, टूल बार, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्रिएटिंग, सेविंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड, उसके बाद आपको पढ़ना है वर्किंग विद ऑब्जेक्ट, मैक्रो, मेल मर्ज, टेम्पलेट, अदर टूल्स इन द वर्ड। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट, मैक्रो, मेल मर्ज, टेम्पलेट और जो भी टूल्स रहते हैं, यानी कि जो भी टैब्स रहती है उसके अंदर जो भी आते हैं, उसके फंक्शन आते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें, मैं आपको इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन बताऊँगा और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मैं सब वैसे मैं जानता हूँ कि आपने कोपा में BSc या BE में MS वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन आपने सिर्फ बेसिक बेसिक ही सीखा होगा उसके बारे में, यानी कि सिर्फ चलाना और जो भी लेटर रिज्यूम बनाना इस टाइप से सीखा होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी वेराइटी रहेगी क्वेश्चंस में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि वो किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए। और लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसके क्वेश्चन ज़्यादा आपको लगाने हैं, ताकि वो एग्ज़ाम में आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। तो मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसी पैराग्राफ के शुरुआत में प्रदर्शित डॉट या प्रतीक, यानी कि सिंबल। किसी भी जो आपके पैराग्राफ आप लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में जो भी सिंबल रहता है उसे क्या कहा जाता है? बुलेट, लोगो, सेल, टारगेट। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बुलेट, यानी कि ये जो बुलेट रहता है ये किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ब्लिंक करता आपको दिखेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बुलेट। अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको किसी भी टेक्स्ट को अगर हाइपरलिंक बनाना है या फिर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी है, Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K और none of the above। तो जो Ctrl+H होता है इसे कहा जाता है फाइंड रिप्लेस। थोड़ा ये इशू कर रहा है मॉनिटर, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जो Ctrl+L होता है इसका काम रहता है लेफ्ट अलाइन, और जो Ctrl+K होता है इसका काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करना। तो आपका जो हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की रहेगा वो रहेगा आपका Ctrl+K, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मास्टर डॉक्यूमेंट के सब डॉक्यूमेंट में जाने से पहले कौन सा व्यू प्रयोग करना होता है? यानी कि अगर आप किसी मास्टर डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और आपको सब डॉक्यूमेंट पर जाना है उसके, तो आपको जो है व्यू चेंज करना पड़ता है। तो इसमें पूछा गया है कि आपको कौन सा व्यू प्रयोग करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू। यानी कि चार में से आपको एक ऑप्शन बताना है जो कि सब डायरेक्टरी से या फिर सब डॉक्यूमेंट से मास्टर डॉक्यूमेंट में आकर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो इसका जो आंसर आएगा इसको मैं आपको नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू के बारे में आपको मैं जो है क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा थोड़ा बाद में, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर की बात करता हूँ, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आउटलाइन व्यू। यानी कि जो आउटलाइन व्यू होता है, अगर आप किसी नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं, यानी कि किसी मास्टर जो है डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आपको उसका व्यू चेंज करना है, सब डायरेक्टरी में जाना है या फिर सब डॉक्यूमेंट में जाना है, तो आपको उसका जो आउटलाइन व्यू रहता है उससे आपको प्रयोग करना पड़ता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव, ये सब क्या कहलाते हैं? यानी कि आपने इसके बारे में सबने पढ़ा होगा, आपने सभी ने इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा, सब स्क्रिप्ट करके देखा होगा टेक्स्ट को, सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन देकर उसमें इनबॉस या फिर इनग्रेव आपने अप्लाई किया होगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये एक्चुअली होते हैं आपके फॉन्ट इफेक्ट, इन्हें कहा जाता है फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल अलग होती है, फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है कि आप किस स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं, फॉन्ट
वर्ड आर्ट मतलब ये होता है कि आपको अगर टेक्स्ट पे किसी तरह का इफेक्ट देना है या किसी अलग डिज़ाइन के आपको उसमें टेक्स्ट डालना है, आपको कुछ भी सेंटेंस आपको बनाना है तो आप वर्ड आर्ट यूज़ करेंगे। और टेक्स्ट इफेक्ट जो होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट इससे अलग आते हैं फॉन्ट इफेक्ट से, क्योंकि फॉन्ट और टेक्स्ट दोनों में फ़र्क रहता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें फॉन्ट इफेक्ट, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इन्हीं के रिलेटेड या फिर इनसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल बना हुआ है उसके ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी यूजफुल आपको क्वेश्चन आगे के एग्जाम्स के लिए भी आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शब्द फील्ड में एक वैकल्पिक फील्ड निर्देश शामिल हो सकता है जिसे कहा जाता है। अ वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, यानी कि किसी एक जो वैकल्पिक फील्ड रहती है उस फील्ड में अगर आपको इंस्ट्रक्शन उसमें दिखाने या शो करने हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका सब डॉक्यूमेंट। सॉरी थोड़ा इशू कर रहा है। इसे कहा जाता है एक शब्द फील्ड में वैकल्पिक फील्ड निर्देश शामिल करना है। अच्छा थोड़ा इसमें करेक्शन करिए, जो अगर आपको फील्ड को अगर स्विच करना है मतलब कि एक फील्ड से वैकल्पिक फील्ड में जाना है तो आपको जो है स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा सब डॉक्यूमेंट करना है। सब डॉक्यूमेंट उसे कहा जाएगा कि आप किसी मास्टर डॉक्यूमेंट से किसी अंदर सब डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं तो वो सब डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा स्विच, यानी कि आपको अगर एक शब्द फील्ड में एक वैकल्पिक फील्ड निर्देश आपको इंस्ट्रक्शन शामिल करने हैं तो आपको उन्हें स्विच कहा जाता है या फिर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका आएगा स्विच। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8, यानी कि जब आप शॉर्टकट की दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 तो वो क्या काम करता है या फिर किसे एक्टिवेट करता है? तो पहला ऑप्शन है इट एक्टिवेट्स एक्सटेंडेड सिलेक्शन, यानी कि यह सिलेक्ट करने की रेंज को एक्टिवेट करना है, यानी कि आपको बड़ा ज़्यादा सिलेक्शन करना है, एक्सटेंड सिलेक्शन करना है तो आपको जो है किसको मतलब ये काम करता है यानी ये बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आयताकार सिलेक्शन एक्टिव करता है, फिर जिस पर इंसर्शन लाइन होती है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 होता है ये आपका जो है एक्सटेंडेड सिलेक्शन को एक्टिव करता है, यानी कि आपको किसी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये आपका एक कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, एक और तीसरा कॉलम है। अगर आप ये इसको सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 दबाते हैं तो वो आपके पास इस तरह से यहाँ पर एक डॉट डॉट में लाइन स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आप जो डाउन राइट एरो किया जाता है अगर आप उसको क्लिक करेंगे या फिर प्रेस करेंगे तो ये जो सिलेक्शन है बढ़ता जाएगा यहाँ से, यानी कि ये जो शॉर्टकट की है ये जो है एक्सटेंडेड रेंज को सिलेक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है हमारे क्वेश्चन अब यहाँ पर हो गए हैं। तो एक जो मेन चीज़ अब हमारा है कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा एमएस वर्ड में फोकस करना है वो है उसकी टैब्स, यानी कि जो भी टैब्स है जो कि होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, रिव्यू व्यू, फिर जो आपकी शॉर्टकट कीज है इनके ऊपर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो मेल मर्ज होता है, मैक्रोस होता है, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये आपने करके जरूर देखा होगा, लेकिन आपने इसका बेसिक ही पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम में आपको बेसिक नहीं पूछे जाएंगे कि मैक्रो कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे प्रयोग करते हैं, इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं। जो मैक्रो के या फिर मेल मर्ज के क्वेश्चन आते हैं वो आपको नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, इस तरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट लेवल के रहते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। जो मैं आपको MCQ प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको सभी तरह की वैरायटी मिल जाएगी, A to Z वैरायटी, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हेडर, फुटर, अलाइनमेंट, पैराग्राफ, फीचर्स, आपको जो हेडर फुटर अलाइनमेंट होते हैं उनकी शॉर्टकट की कहाँ से होते हैं, किस टैब में होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मल व्यू में कैसे काम करते हैं, आउटलाइन व्यू में कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। फिर जो आपकी कीबोर्ड कीज रहेगी जैसे कि होम, एंड, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, जो भी कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी की रहती है उनके यूज़ पूछे जाते हैं एमएस वर्ड में, यानी किसी के पेज के स्टार्टिंग में जाना है, किसी लाइन के स्टार्टिंग में, किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या एंड में जाना है, तो किस तरह की आपको कीज यूज़ करना है, यानी कि मेनली आपको एमएस ऑफिस के अंदर इन ये जो मैंने चार आपको लाइनें बताई इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, इसी के ऊपर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेगी, इसलिए इन सबको अच्छे से फोकस कीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप या तो इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी भी स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में
जुड़ जाएंगे, वहीं पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल पोस्ट किया जा रहा है। और जो भी अगला वीडियो रहेगा हमारा एमएस एक्सेल के ऊपर रहेगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको पढ़ना है और उसका स्टडी मटेरियल के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं आप उन सभी को इसमें ज्वाइन करिए, ताकि सभी आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। थैंक यू।